जयकार शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड श्लोके दुर्गा शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुभ्यः सर्वकार्यविधायिने कलायिकार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहियत्नतः। देवी उवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेश साधनम् मया तवैव श्रेणाप्यम्बासुते प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनाम विचेतासि देवि भगवती सा वरादा कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरिशिभिवशेषजन्तुः स्वस्ते स्मृता परिमतेव शुभां ददासि। दारिद्रदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यापि हरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्रायिनो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते। रोगान् शेषा नभांसि दुष्टा दुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताय क्षयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि षडश्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् तदे। ॐ सरिताद्री भव प्रीता भवानी भवमोचने आर्या दुर्गा जयाचार्या त्रिनेत्रा शूलधारिणि विनागधारिणि चित्रा चण्डघण्टा महातपाः मनोमूर्तिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणि अनन्ता भावनी भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञ विनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टाम्बरपरिधाना कलमञ्जीरञ्जनी अमेयवृक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वरदुर्गा च मातङ्गी मतङ्गा मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा
चामुंडा चैव वाराहि लक्ष्मी च पुरुषाकृति विमलाकर्षणे ज्ञानक्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुला प्रेमा सर्ववाहन वाहन निशुम्भ शुम्भ हरणे महिषासुरमर्दिनि मधुकैलवान्ति च दण्डमुण्डा विनाशिनि सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातिनि सर्वशास्त्रमयि सत्या सर्वास्त्रधारिणि तदा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणि कुमारी चैक कन्या च केशोरी युवती यति अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता वरप्रदा महोदरे मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रे तपस्विनि नारायणे भद्रकाले विश्वमाया जलोदरे शिवदूते कराले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायणे च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिने यायिनम् प्रभने नित्यम् दुर्गा नाम सदाशकम् नासाध्यम् विद्यते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वती धनम् धान्यम् सुतम् जायामयम् हस्तिनमेव च चतुर्वर्गम् तथा चान्ते लभेन्मुक्तिम् च शाश्वतीम् कुमारीम् पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीम् सुरेश्वरीम् पूजे परया भक्त्या पठे नाम शदाशकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवे सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासदां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात् गोरोचनालक्तकुङ्कुमेण सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्ययन्द्रम् विधिना विधिज्ञो भवे सदाधार्यते पुरारिः भौमावाक्यादि सामग्रे चन्द्रे सर्विषाङ्गते विलिख्या प्रभते स्वतम् सभवे सम्पदा इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती शोरशोपचार द्वारा पंचामिस से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्ति ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याः कवचम् ॐ अचरे चण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिर्धनुष्टवछन्दः चामुण्डा देवता अङ्गनासोक्तमातरो बीजम् दिगबन्धदेवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बावृत्यर्थे सप्तषष्टी पाणाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयवाचम् ॐ जद्भुयम् परमम् लोके सर्वरक्षाकरम् निलाम् जन्मकक्षा च साख्यातम् तन्मे ब्रूहि पितामहः ब्रह्मवाच अर्चिभुयतमम् विप्र सर्वभूतापकारकम् देव्यासु कवचम् पुण्यम् दर्शनश्व महामुने प्रथमम् शैलपुत्रे च द्वितीयम् ब्रह्मचारिणि तृतीयम् चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमम् स्कन्दमादेति षष्ठम् कात्यायनीति च सप्तमम् कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम् नवमम् सिद्धिरात्रि च नव दुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निनाधयमाणस्तु शत्रुमद्य गतारणे भीष्मे दुर्गमे चैव भयाता शरणम् गताः राजेषाम् जायते किञ्चित् अशुभङ्गण सङ्कटे नापदम् तस्य पश्यामि शोकदुःख वयम् नयि
येतु भक्तास्तु दानूनां तेषां मृत्ये प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षशैतान्न संशयः हेतुसंस्थातु चामुण्डा वाराही वैशासन ऐन्द्रिकैश्चमारूढा वैष्णवी गरुडासन माहेश्वरी कृशारूढा कौमारीशिखवाहन लक्ष्मी भगवासना देवी पद्मस्तारी प्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहन ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरा सर्वा सर्वयोग समन्विताः नानावर्णशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रवमारूढा दिव्या क्रोध समाकुलाः शङ्खं चक्रं गदा शक्तिमलं च मुदुलायुधम् खेदकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्तायुधानीतं देवानां चेताय वै नमस्यस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महामले महोत्साहे महाभयविनाशिने राहिमां देवे दुष्प्रेषे शत्रूणामयवर्धिने प्राचारक्षणुमावेदे याग्नेयामग्निदेवता दक्षिणयावधुवाराहि नैरित्यां खड्गधारिणि प्रदीचामारुणि रक्षे वायव्यामृगवाहिनि उदीचां वादुकौमारि ऐशानशूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे अधस्ताशैषवे तदा एवं दर्शो रक्षे चामुण्डा शववाहन जया मे जागृता पातु विजया पातु पृष्ठता अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योधनी रक्षे उमामूर्धि व्यवस्थिता बालाधने ललाटे च भ्रुवो रक्षे दशस्वने त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्कणे चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनि कपोलो कालिका रक्षे कर्णमूले तु शाङ्करि नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च जर्चिका अधरे चान्द्रकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका कण्डिकां चित्रकण्ठा च महामाया च तालुके आमाकीर्तिमुखं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवशे धनुर्धरि नीलग्रीवा वै कण्ठे नैकामगोभरि स्कन्द्यो गर्गणि रक्षे बाहु मे वज्रधारिणि अस्यो दण्डनि रक्षे अम्बिका चाङ्गुलेषु च नगाशूलेश्वरि रक्षे कुक्षो रक्षे कुलेश्वरि सना रक्षे महादेवे मनाशोकविनाशिनि हृदये ललिता देवे उदरे शूलधारिणि नाभोजकामिणि रक्षे गुह्यङ्गुलेश्वरि तथा पूर्णा कामिका मेनङ्गुले महिषवाहिनि प्रत्या भगवती रक्षे जानुने विन्ध्यवासिनि जङ्गे मावला रक्षे सर्वकामप्रदायिनि गुरुभ्यो नारसिंह च पादपृष्ठे दुतयसि पादाङ्गुलेषु श्रीरक्ष पादादत्तरवासिनि नगादष्टाकराली च केशा शैवोद्भगेषिणि रोमकूपेषु कौबेरी त्वजं भागेश्वरि तदा रक्तमज्जावसापासानस्ति मेधांसि पार्वति अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुगुडेश्वरि भग्वावजे पदकोश कवे चूडामणि सदा ज्वालामुखे नगज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां शस्त्रेश्वरि तदा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षे मे धर्मधारिणि प्राणापानो तथाव्यानम् उदानं च समानकं भजस्था च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभन रसरूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिणि सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणे सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैश्वे यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणि गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशून्मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षे महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवे
पन्थाणां सुमतालक्ष्य मार्गं क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा स्थिरा रक्षायेण कुर्यास्तानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ति पापनाशने पदमेकं न गच्छेतु जयेच्छ शुभमात्मनः कवचेनामृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजया सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर मधुरं प्राप्यते भूतले भवान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेश पराजितः ते लोके तु भवेत् पूज्या कवचेनामृता भवान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यापदेर्नयतो नित्यं त्रिसन्ध्यां सद्यान्वितः देवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्येष्व पराजितः जीवे वर्षशतं सार्धं नवमृत्यो विभाज्यतः नश्यन्ति व्याधिया सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं जैव कृत्रिमं जापयद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भोजनाकेतनाश्चैव जलदाश्चोपदेशिकाः सर्वाकुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्ष जरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतविशाचाश यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेदाला कूष्माण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शणा तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नति भवेदाग्रस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्तते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जगे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते दशैलवर्णकारणम् तावत्तिष्ठति मेधन्यां सन्तति पुत्रपात्रिके देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन समोदते ॐ अथर्वलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्रीयादिकास्वस्तमन्त्रस्य विष्णो ऋषि अनिष्टभछन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बापीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेयोवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनि दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोऽस्तुते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतातिहारिणि जय सर्वगजे देवि कालरात्रि नमोऽस्तुते मधुकेशव विद्याविभिरात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि दशो देहि द्विषो देहि महिषासुरनाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जयि रक्तबीजावधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जयि शुम्भक्षुम्भक्ष धूम्राक्षश्चमर्दिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जयि वर्धिताग्रेजुवे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जयि अजिन्त्यरूपचरित सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जयि देव्या सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जयि सुभग्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जयि चण्डिके सवनं जयत्वाम् अर्चयन्ति अभक्तितः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जयि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जयि विजयि दुष्टां नाशं विजयि बलमुत्सुकैः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो जयि
विजयि देवि कल्याणं विजयि परमाक्षयं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दुशोदये सुरासुरशिरोरक्त्राणिकृष्टचरणाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दुशोदये विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दुशोदये प्रचण्ड दैत्य गर्भगण चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि चतुर्भुज चतुर्वक्र संसुदे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि कृष्णेण संसुदे देवि शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि हिमाचलसुदानाथ संसुदे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि देवि प्रचण्ड लोचण्ड दैत्यदर्प विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि देवि भक्तजनोद्धाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि पत्नि मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणी दुर्गसंसार सागरस्वकुलोभवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशतीसङ्ख्या परमाप्नोति सर्वदा अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवादिषे अनुष्टुभछन्दः श्रीमा सरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशतीपाठकत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिभेदे दिव्यचक्षुषे श्रेयाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्वियाणीयां मन्त्राणां विकीलकं सौमित्रेमो वाप्नोति सततं व्याप्य तत्परः सिद्धं कुजाननादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुमरां देवि स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यते नामन्त्रोणौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना चाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनाधिकं समग्राणि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमं हरः यत्त्वा निमन्त्रयामाथ सर्वमेव इदं शुभं स्तोत्रमे चण्डिकायासु तच्च गुप्तं चकारः समाप्तिर्न च पुण्यसतायधावन्नियन्त्रणाम् सौभिक्षेमो वाप्नोति सर्वमेवं न संशयः विष्णायां वा चतुर्दशम् अष्टम्यां वा समाहिता ददाति प्रतिगृह्णादीनानदेशा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलां विधायेन नित्यं जपति सस्फुटम् सशुद्धः सगणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैव प्रतस्तस्य भयं क्वापि अजायते नापमृत्युवशं याति मृतमोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते भुतैः सौभाग्यादि यत्किञ्च दृश्यते ललनाचरे तत्सर्वं दत्तजातेन तेन याप्यामिदं शुभम् क्षणेषु जप्यमाणेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि तथा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदा शत्रुहाणि परो मोक्ष श्रूयते सारगेन्द्रणैः ओ श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेदव्यासी द्वारा विरचित मार्कंडे प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। इस स्तोत्र पाठ से
भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है, विशेषतया आपके रोगों, शत्रुओं, दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है, मनोवांछ कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र भगवती है श्री कंठ कुटुंबिन भोरि कुटुंबिन भोरि कृत जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपालसिन शैल सुत सुर वर वर्षिणि दुर्धर दर्शिनि दुर्मुख मर्षिणि हर शरत त्रिभुवन कोटि शंकर दौरिन कर विषभूषण गोचरत रानु जानि रोशन जय जय हे माई का सुर मर्दिन रम्य कपर दिन शैल सुत हर जगदम्ब कदम्ब कदम्ब वन में वासिन हर शिखर शिरोमणि शंकर मालय शृंगार जामय मत्स्यगत मधु मधुर मधु कैटव गंजन कैटव भंजन राखर कमल 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 कमल
से पहले क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अत क्षमा प्रार्थना अपराध Yeah.
अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में जब प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन पद्म स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। ओंकारं बिन्दुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगीजन बिंदु से युक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इस अक्षर का गुणायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से, उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्ष ओंकार में अकार, ओकार और मकार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्थ मात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचिया ज्योता वाली माता तेरी जयकारा शेरा वाली दा। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते।
सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रय भूषितं पातुना सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। कात्यायनी, यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से भाई रक्षा करे। हम सभी भक्तजन भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। ज्वाला कराल मत्युग्रम शेषा सुरसूदनम त्रिशूलम पातु नो भीतिर् भद्रकाली नमोस्तुते। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकार प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। हिनस्ति दैत्य तेजांसी स्वनेना पूर्वजा जगत सा घंटा पातु नो देवी पापिभ्युना सुतारे। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण रथ को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। असुरा से वसा पंक चर्चित अस्ते करोज्ज्वला शुभाय खड़गो भवतु चंडिके त्वाम नता वयम। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड़ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे। हम सभी भक्तजन भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। सचिया ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। इस जगत में जभी जभी भी केवल हम ही भक्तों पर नहीं, स्वयं देवताओं पर, राजा महाराजाओं पर, दैत्यों पर भी जब कोई संकट का आलान पड़ता है और उस समय जब कोई विशेष देवता हमारी सहायता नहीं कर पाता, अंत में हम इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण करते हैं और तब माता जी हमारी स्तुतियों द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन दे करके हमारे सभी प्रकार के कष्टों को सदा के लिए दूर करती हैं। प्राचीन काल में एक महाबुद्धि संपन्न ऋत्वाक नाम के ऋषि थे जिनके जहाँ रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गंडांत योग में पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषि ने इसके याद कर्म चूड़ा अनित्यायी सावित संस्कार संपन्न किए, परंतु जब से उनके जहाँ जो पुत्र उत्पन्न हुआ तभी से ऋषि रोग युक्त रहने लगे। शोक ने उनको घेर लिया, लोभ ने घेर लिया और यही हाल उसकी माता का भी था। वो भी नित्य प्रति शोकग्रस्त रहती थी और रोगग्रस्त रहती थी। ऋषि सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण है कि जब से मेरे जहाँ जो पुत्र उत्पन्न हुआ है मैं रोग से युक्त हूँ और शोकग्रस्त रहता हूँ। युवावस्था होने पर उस उनके पुत्र ने किसी ऋषि की पत्नी का हरण कर लिया, जिससे पिता बड़े दुखी हुए और मन में विचार करने लगे कि ऐसे पुत्र को धिक्कार है जो स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में डाल देता है। वे पुरुष धन्य हैं जिनके जहाँ परोपकारी पुत्र उत्पन्न हुआ करते हैं, क्योंकि जो कुपुत्र है वो ना तो मित्रों का उपकार कर सकता है और ना ही शत्रुओं का उपकार, इसलिए ऐसे पुत्र का ना होना अच्छा है। तब उन्होंने एक दिन ज्योतिष शास्त्र में निष्णात गर्गाचार्य जी को अपने यहाँ बुलाया और उनसे प्रार्थना की, उनका आदर सम्मान किया कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके मेरे यहाँ जे दुर्वनीत पुत्र उत्पन्न हुआ। मैंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदाध्ययन किया, गुरु की सेवा की और फिर समय अनुसार जो मैंने विवाह किया, मैंने केवल नरक से बचने के लिए ही पुत्र को प्राप्त करने के अर्थात गर्भाधान संस्कार किया था, ना कोई वासनात्मक सुख के लिए। फिर किस कारण मेरे ये यहाँ दुर्वनीत पुत्र उत्पन्न हुआ? ये मेरे दोष के कारण है, इसकी माता के दोष के कारण है अथवा कुल के दोष के कारण है? गर्गाचार्य ने सभी विधि पूर्वक सम्यक प्रकार से ज्योतिष शास्त्र पर विचार किया और बताया कि महाराज, ये ना तो आपके दोष के कारण है और ना ही माता के दोष के कारण है, ना ही कुल के दोष के कारण है। ये दोष केवल है रेवती नक्षत्र का अंतिम भाग गंडांत योग में जन्म लेने के कारण ऐसा आपके पुत्र जो दुर्वनीत पुत्र उत्पन्न हुआ है, और इसके लिए सभी दुर्गतियों का नाश करने वाली आप दुर्गा माता की आराधना करो। जब ऋषि ने ऐसा सुना तो वो क्रोध से मूर्छित हो गए और उन्होंने तुरंत रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया कि तू आकाश से गिर जा। देखते देखते रेवती नक्षत्र आकाश से कुमुद पर्वत गिरा, जिससे कुमुद पर्वत बड़ा रमणीक हो गया और उसे रेवती पर्वत की संज्ञा प्राप्त हुई। तब ऋषि जी ने विधि प्रकार दुर्गा माता की आराधना की, जिससे उनका पुत्र
पुनः जो बुद्धि संपन्न हो गया। कहने का तात्पर्य है कि घोर से घोर कष्ट अथवा आने पर भी हम अंत में इन्हीं दुर्गा माता जी की आराधना करते हैं और माँ प्रसन्न होकर के हमारी सभी दुखों को दूर कर देती है, कष्टों को दूर कर देती है, मनोकामना को पूर्ण कर देती है। आप सभी सौभाग्यशाली ये पुण्यकर्मी हैं जिनको आयुनी के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी, महान सरस्वती जी आदि काल से इस दिव्य गुफा में आपको शक्ति, ऐश्वर्य, ज्ञान के वरदान से संपन्न करती विराजमान है। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक है, ऊपरा के तीन स्वरूप और इनके चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बहरी है, जिसमें आप स्नान करते हैं, चरणामृत ध्यान करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर गणपति जी महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुकता प्रहलाद जी और साथ में महाराज का वरद हस्त भक्तों को प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र, बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचय कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल हैं केवल ऐं ऐं अक्षर का उच्चारण करने मात्र से ही विद्या में निपुण हो जाते हैं। ओम ऐं ओम अथवा ओम ऐं सरस्वती नमः इसका जाप करने से विद्यार्थियों को विद्या की प्राप्ति होती है। ह्रीं के चरण से आपको दूध, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति, नेक कमाई, हर प्रकार की मनोकामना, घर गृहस्थी, देश विदेश में स्मृतिमान प्राप्त होता है और क्लीन के चरण से आपको शक्ति प्राप्त होती है। आपके शत्रुओं और रोगों का नाश होता है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता जी के चरणों बैठे हुए हम सभी भक्त यहाँ तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जय विच्चे। 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 सचिया जोता वाली माता तेरी सदा, जय कर शेर वलिदा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में नित्य प्रति स्नानोपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं अपने मन में सुन जो माता जी प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा, जय कर शेर वलिदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियाँ उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री मनिंद्र जी से, अपनी मधुर बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मनिंद्र। जय करा शिरवलिया बोल सच्चे दरबार की जय। आनंद के लुटे खजाने शेरा वाली के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने शेरा वाली के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने शेरा वाली के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने शेरा खजाने
ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਕਤ ਹਾਥ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇਂ ਆਨੰਦ ਕੇ ਲੁੱਟੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੇ ਦਰ
धन बांटे मैया झंडे वाली हाँ मैया झंडे वाली हाँ मैया झंडे वाली ओ सुख संपत्ति अन धन बांटे मैया झंडे वाली हाँ मैया झंडे वाली हाँ मैया झंडे वाली ओ मैया के दरबार में आकर भरती झोली खाली हाँ झोली खाली हाँ भरती झोली खाली हाँ भरती झोली खाली ओ किसी चीज की कमी नहीं है मैया के दरबार में आनंद गल है खजाने शेरावाली के दरबार में आनंद के लुटे खजाने शेरावाली के दरबार में वो आनंद के लुटे खजाने शेरा दरबार में कहो खजाने शेरावाली के दरबार ओ शेरावाली के दरबार में मेहरावाली के दरबार में आनंद के लुटे खजाने शेरावाली के दरबार में आनंद के लुटे खजाने शेरावाली के दरबार ओ आनंद के लुटे खजाने शेरावाली के दरबार लुटे खजाने शेरावाली के दरबार शेरावाली के दरबार में शेरावाली के दरबार शेरावाली के दरबार में शेरावाली के दरबार शेरावाली के दरबार शेरावाली के दरबार जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार अभी एक ब्रेंड प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार जी जयकारा शेरावालीदा बोल सच्चे दरबार की ओ साडे बेड़े मां समुंदर अच डोल दे शेरावाली बाह फड़ लै साडे बेड़े मां समुंदर अच डोल दे शेरावाली बाह फड़ लै साडे बेड़े मां समुंदर अच डोल दे शेरावाली बाह फड़ लै मेरे समुंदर अच डोल दे शेरावाली बाह फड़ लै बुए रहमत ते हुण माए खोल दे शेरावाली बाह फड़ लै बुए रहमत ते हुण माए खोल दे शेरावाली बाह फड़ लै बुए रहमत ते हुण माए खोल दे शेरावाली बाह फड़ लै साडे बेड़े मां समुंदर अच टोल दे शेरावाली बाह फड़ लै साडे बेड़े मां समुंदर अच टोल दे शेरावाली बाह फड़ लै दुखा दियां लहरां ने मां बड़ा ही डराया मां दुखा दियां लहरां बड़ा ही डराया मां ओ दुखा दियां लहरां ने बड़ा ही डराया मां दुखा दियां लहरां ने बड़ा ही डराया मां ओ सा लैना औखा होया समझ न आया मां सा लैना औखा होया समझ न आया मां ओ सा लैना औखा होया समझ न आया मां सा लैना औखा होया दुखा दियां लहरां ने बड़ा ही डराया मां सा लैना औखा होया समझ न आया मां
तेरे हुंदे आया सी माई रोल दे शेरा वाली बाह फड़ ले तेरे हुंदे आया सी माई रोल दे शेरा वाली बाह फड़ ले ओ तेरे हुंदे आया सी माई रोल दे शेरा वाली बाह फड़ ले तेरे हुंदे आया सी माई रोल दे शेरा वाली बाह फड़ ले ओ साडे पेड़े नहो बाह फड़ ले हुण कम खोल दे शेरा वाली बाह फड़ ले ओ बूहे रहमता दे हुण कम खोल दे शेरा वाली बाह फड़ ले ओहे रहमता दे हुण कम खोल दे शेरा वाली बाह फड़ ले ओ टुटन ना देवी साडी परोसे वाली डोर मां टुटन ना देवी साडी परोसे वाली डोर मां तेरे सिवा साडा माइए कोई नहीं होर मां टुटन ना देवी साडी परोसे वाली डोर मां परोसे वाली डोर मां तेरे सिवा साडा माइए कोई भी ना होर मां तेरे बिना साडा माइए होर भी ना होर मां असी सुख सुख तेरे अगे फूल दे ओ असी दुख सुख तेरे आगे बोल दे शेरा वाली बाह फड़ ले असी दुख सुख तेरे आगे बोल दे शेरा वाली बाह फड़ ले ओ साडे पेड़े मां समुंदर अज डोल दे शेरा वाली बाह फड़ ले साडे पेड़े मां समुंदर अज डोल दे शेरा वाली बाह फड़ ले ओ बूहे रहमता दे हुण तम खोल दे शेरा वाली बाह फड़ ले रमदान हुण कम खोल दे शेरा वाली बाह फड़ ले ओ तेरे ही बनाए दाती असी ता खिलौने हां तेरे दा बनाए वाली असी ता खिलौने हां ओ तेरे ही बनाए दाती असी ता खिलौने हां तेरे ही बनाए दाती असी ता खिलौने हां ओ शेरा वाली ए नी नित तारे तेरे आउने हां शेरा वाली ए नी दस दर तेरे आने हां मां तेरे ही बनाए दाती असी ता खिलौने हां शेरा वाली ए नी नित दर तेरे आने हां बुए दया दे हुण तू खोल दे शेरा वाली बाह फड़ ले बुए दया दे हुण तू खोल दे शेरा वाली बाह फड़ ले साडे पेड़े मां समुंदर अच ओ साडे पेड़े मां समुंदर अच डोल दे शेरा वाली बाह फड़ ले साडे पेड़े मां समुंदर अच डोल दे शेरा वाली बाह फड़ ले ओ साडे पेड़े मां समुंदर अच डोल दे शेरा वाली बाह फड़ ले साडे पेड़े मां समुंदर अच डोल दे शेरा वाली बाह फड़ ले मुश्किलां च फसी तेरे भगतां दी जान मुश्किलां च फसी तेरे भगतां दी जान ओ मुश्किलां च फसी तेरे भगतां दी जान मां होर किन लैने न तू साडे इम्तिहान मां होर किन लैने न तू साडे इम्तिहान मां मुश्किलां च फसी तेरे भगतां दी जान मां होर किन लैने न तू साडे इम्तिहान मां हथ जोड़ दाती तैनू यो बोल दे शेरा वाली बाह फड़ ले जोड़ दाती तैनू यो बोल दे शेरा वाली बाह फड़ ले ओ साडे पेड़े मां समुंदर अज डोल दे शेरा वाली बाह फड़ ले पेड़े मां समुंदर अज डोल दे शेरा वाली बाह
ਸਾਡੇ ਬੇੜੇ ਮਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਅੱਜ ਡੋਲਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈ ਓ ਬੂਹੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤਮ ਖੋਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈ ਸਾਡੇ ਬੇੜੇ ਮਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਅੱਜ ਡੋਲਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈ ਮਾਮੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈ ਲਾਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈ ਲਾਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਅਭੀ ਇੱਕ ਬੇਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ 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 ਜਗ ਜਨਨੀ ਜੈ 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 ਜਗ ਜਨਨੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰੂਪ ਧਰਾਇਓ ਹੈ ਮਾਂ ਗਰੁੜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬੈਠੀ ਰੇ ਮਈਆ
पंख चक्र गद पद्म विराजे वैजंती गल पायो है पंख चक्र गद पद्म विराजे वैजंती गल पायो हो शंख चक्र गद पद्म विराजे वैजंती गल पायो अभी एक बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मणिंदर जयकारा श्री राम निरा अखियों नी अज बंद ना होना अखियों नी अज बंद ना होना मैया आना है अखियों नी अज बंद ना होना उतारण वाली दायत दर्शन पाणा जग उतारण वाली दर्शन पाणा जग उतारण वाली दायत दर्शन पाणा जग उतारण वाली दर्शन पाणा
शुभ संबत 2074 दक्षिणायन दक्षिण गोल हेमंत ऋतु कार्तिक मास की आय 23 प्रविष्ट है। महर्षि कृष्ण पक्षी आय पंचमी तिथि है। बुधवार तदनुसार 8 नवंबर सन 2017 के दिन दुर्गा माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव सौभाग्यवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरी भूति करने दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव व्यापार दक्षो भव
श्री शंभुर भवपाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव श्रीवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाविदा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुज्ञानलाभं छत्संवत्सं दीर्घमायु अस्तु दीर्घमायु। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धान से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हूँ। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, जय करा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंत पर सभी आरती है, सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय आनंद करणी तुम को निश दिन जावत मैया जी को निश दिन जावत हरि ब्रह्मा
बोल सच्चे दरबार की जय। मैं अब छोड़ कर सारे दुनिया के धंधे, अब छोड़ कर सारे दुनिया के धंधे, मैं अब छोड़ कर सारे दुनिया के फंदे, मैं अब छोड़ कर सारे दुनिया के फंदे, तुम्हारी
पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पसार चुके हैं, तो इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती आप सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना, प्रेम से बोलो, प्रातः वेला आरती वेला आप बुलाने ये सभी भक्त या दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी वर्ग जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता दी। पृथ्वी गुरु जी को वंदना, आज गणेश शारदा में कार्य करो हमेश जय
सतगड़ी जो चरना गोपाल भजन्ते शोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि
विद्यापदे वरवर नमस्ते सच्चिया ज्योता भाली माता तेरी पंचफूला रानी माता तेरी सर्वदा बला चंद वाली माता तेरी सारे संसार भी शांति देने वाली माता तेरी भुला चुका माफ करने वाली माता तेरी गुफा विच निवास करने वाली माता तेरी रंग कला भी ठाकुर तेरी चलाई जय गुरु सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म का नाश हो धर्म का नाश हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो हर हर महादेव बाबा शिव की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की हाथ से आशीर्वाद देना जो जो से सबकी